बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है शेर की समस्या। एक शेर अपनी गुफा में बड़े चैन से रहता था। एक दिन उसकी गुफा में कहीं से एक चूहा आ गया। उसका नाम था चिंटू। शेर रोज की तरह भोजन कर सो गया। शेर के सो जाने के बाद चिंटू अपने बिल से निकला और शेर का मार कर लाया हुआ बचा शिकार भरपेट खाया। उसने मूंछों को ताव दिया और इधर उधर घूमकर भोजन हजम करने लगा। उसे शरारत सूझी, वह अचानक शेर पर जा चढ़ा। शेर के बाल उसे डनलप के गद्दे से भी ज्यादा आराम दे लगे। वह गुफा की दीवार पर चढ़ता और गहरी नींद में सो रहे शेर पर छलांग मार देता। एक बार, दो बार इस तरह छलांग लगाई। तीसरी बार शेर की नींद उड़ गई। वह उठकर दहाड़ा। चिंटू भय के मारे अपने बिल में जादू का। इस प्रकार जब भी शेर सोने का प्रयास करता, चिंटू शेर पर उछलने कूदने लगता। शेर उठकर दहाड़ता, इधर उधर बेचैनी में घूमता। जब शेर की समझ में कुछ नहीं आता, फिर सो जाता। चिंटू फिर शेर पर नाचने कूदने लगता। शेर फिर परेशान हो जाता। शेर को परेशान देखकर चिंटू बड़ा खुश होता था और वह सोचता था कि बड़ा जंगल का राजा बना फिरता है। एक मामूली से चूहे ने मानो फांसी पर लटका रखा है। फिर एक दिन शेर शिकार करने जा रहा था। रास्ते में उसको मिल गई भूरी बिल्ली। भूरी ने देखा शेर की आंखें लाल सुर्ख हो रही है, मानो वह कई दिनों से सोया न हो। शेर की नमस्ते का जवाब देकर भूरी बिल्ली ने पूछा, राजा बेटा, क्या बात है, कई दिनों से सोए नहीं हो क्या? हाँ मौसी जी, आप ठीक कह रही हो, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत में? भूरी ने हैरानी से पूछा। मेरी गुफा में एक चूहा कहीं से आ गया है। जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा बचा हुआ शिकार खाकर प्रसन्नता से मेरे पर उछलने कूदने लगता है। सारी सारी रात सोने नहीं देता कम वक्त। शेर की बात सुनकर भूरी बोली, अरे शेर बेटा, ये भी कोई मुसीबत है। मैं तो चिंता में पड़ गई। पता नहीं कौन सी आफत आ गई जिसने जंगल के बादशाह की नींद हराम कर रखी है। अरे शेरू बेटा, तुम मुझे एक बार सेवा का मौका देकर तो देख। जो उस चूहे को कच्चा न चबा जाऊं तो कभी मौसी जी ना कहना मुझे। चल फिर संभाल मोर्चा, शेर ने उत्साहित होकर कहा। पर मेरी पेट भराई कैसे होगी? भूरी ने पूछा। चिंता छोड़, मैं तुम्हें बैठे बैठाई को भोजन दूंगा मौसी जी। मंजूर है, भूरी ने कहा। चलो फिर तो। चल कहकर भूरी ने शेर के साथ जाकर गुफा में मोर्चा संभाल लिया। शाम को शेर का मार कर लाया शिकार भूरी ने भी डट कर खाया और चूहे के बिल के आगे बैठ गई। रात भर शेर चैन से सोता रहा, किंतु चिंटू के पेट में तो चूहे नाच रहे थे। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। जब सुबह शेर शिकार के लिए जंगल की तरफ चला गया तो चिंटू ने बिल में बैठे बैठे ही ऊंचे स्वर में भूरी से पूछा, प्यारी मौसी, इस प्रकार मेरे बिल के आगे कितनी देर बैठी ऊँगती रहोगी? जब तक तेरा काम तमाम नहीं कर दूंगी, भूरी ने मूछों को बल दिया। फिर जो मांस तुझे मेरे कारण रोजाना बैठी बिठाई को शेर लाकर देता है, सोचा उसका क्या होगा? भूरी की बात सुनकर चिंटू ने पूछा। नहीं, भूरी ने कहा, यह तो मैंने नहीं सोचा। अरे मौसी, जब शेर को इस बात का पता चलेगा कि बिल्ली ने चूहे को हड़प लिया है, वह तुझे गुफा में से दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देगा। फिर हमें क्या करना चाहिए चिंटू बेटा? भूरी को चिंटू की बात कुछ जच गई थी। फिर ऐसे किया कर मौसी, रात को जब शेर खा पी कर सो जाया करेगा, मैं शेर को तंग नहीं करूंगा। सुबह वह शिकार के लिए चला जाता है, तुम भी बाहर सैर कर आया करो। इस दौरान मैं भी डट कर खा लिया करूंगा। कभी कभार तुम रात को किसी बहाने बाहर निकल जाया करो। मैं दो चार एक्शन कुछ
उछल कूद करके शेर के सिर पर अपने जीते होने की तलवार लटका कर तेरी शेर को आवश्यकता महसूस करा दिया करूंगा। इस प्रकार हम दोनों की पेट भराई होती रहेगी। मुझे यह सलाह भी स्वीकार है, भूरी ने चहक कर कहा। खा पुत्र की कसम, पुत्र की सौगंध, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपनी मौज मस्ती मनाओ, कहकर भूरी बिल्ली बाहर चली चलती बनी। इस तरह अब जब तक भूरी और चिंटू का समझौता भंग नहीं होता, शेर की समस्या वैसी ही बनी रहेगी।